स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन एंगल, जो साइन एंगल की रेशियो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट की रेशियो है टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो साइन आई हमारा इंसिडेंट एंगल है और साइन आर हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इधर क्या चीज़ है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो कांस्टेंट होगा। ये हमें स्नेल्स लॉ कहता है। स्नेल्स ने ये कहा था कि जब आप एक ही मीडियम, मुख्तलिफ मीडियम हैं उनमें से आप अगर एक मीडियम को चूज़ करते हैं, कोई एक आप मीडियम ले लें, चाहे हवा का ले लें, ग्लास का ले लें, एयर का ले लें, आइस का ले लें या डायमंड का ले लें, जब उस एक ही मीडियम में आप डिफरेंट एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्टिव एंगल होगा उनका जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। इसी चीज़ को हम अभी देखते हैं। देखें हमारा जो एक मीडियम, ये दो हम दो मीडियम लेते हैं, एक एयर लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, और एयर जो है वो लो है मीडियम, और जो ग्लास है वो हाई मीडियम है। एन टू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और लो का इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन वन है। प्रोटेक्टर की मदद से हम इनके एंगल्स को फाइंड करते हैं। देखें जब हमने हाई मीडियम में रह के, हाई मीडियम में रह के एक लाइट को इंसिडेंट करवाया 20 डिग्री के ऊपर, हमारा एंगल जो था, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो 20 डिग्री था, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल था, एंगल आर, उसको 20 डिग्री के ऊपर जाना चाहिए था, 20 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने 30 डिग्री का बनाया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज है, इसका 1 है, इसका 1.5 है, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज की वजह से ये अपने नॉर्मल से दूर हट गया। तो जब हम इनका रेशो निकालते हैं, रेशो साइन आई जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होता है एन वन के। एन वन मीन्स जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो किस की तरफ जा रहा है, किस एंगल की तरफ जा रहा है, किस एंगल में हम इसको इंसिडेंट करवा रहे हैं, किस एंगल, किस मीडियम में इंसिडेंट करवा रहे हैं, एन वन में, तो एन वन आ जाएगा। तो साइन आर जो होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो किस मीडियम से आ रहा है, किस मीडियम से हम उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, किस मीडियम से करा रहे हैं, एन टू के साथ, तो वो एन टू आ जाएगा। टू एंड फ्रॉम मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है। आप इनका यूज़ कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके। स्नेल्स लॉ के लिए इतना ही काफ़ी है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब हम अपने इंसिडेंट एंगल की और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्नेल्स लॉ के अंदर, ये हमने पुट की, तो जो रेशो निकल के आई हमारे पास वो 1.5 निकल के आई। ये थी एक कंडीशन। अभी हम क्या करते हैं, हम अभी उसी मीडियम में रह के, एयर और ग्लास के अंदर रह के अपना एंगल चेंज करते हैं। उसने कहा था कि आप एक ही मीडियम के अंदर रह के जब मुख्तलिफ एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो उनकी जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट होती है। अभी देखते हैं कि बाकी कांस्टेंट है कि नहीं या नहीं। तो अभी हमने मीडियम भी हमारा एयर है और ग्लास है, हमने ग्लास के अंदर रह के हमने एंगल चेंज किया। पहले हमारा 20 डिग्री था, अभी हमने जो हमारा इंसिडेंट एंगल है आई वो हमने 30 डिग्री कर दिया, 30 डिग्री से लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो जो एंगल आर है वो 30 डिग्री ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो 45 के ऊपर चला गया, 45 का उसने एंगल बना लिया, ठीक है, अपने नॉर्मल से हट गया। तो जब हम अपने इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल मीन्स के साइन आई और साइन आर को पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को स्नेल्स लॉ के अंदर, ये हमने पुट कर दी, आप एन वन यूज़ कर लें, एन टू या साइन वन या साइन आर यूज़ कर लें, इट्स ओके आपकी मर्ज़ी। तो जब हम इसकी रेशियो निकालते हैं तो वो 1.5 आती है, मैंने कैलकुलेट खुद किया हुआ ये। तो ये प्रूफ हो गया कि वाकई में हमारे जो एक ही मीडियम के अंदर जब हम मुख्तलिफ एंगल के साथ लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो उनका जो रेशियो निकल के आएगा वो कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, चाहे आप एयर ले लें, डायमंड ले लें। तो ये स्नेल्स लॉ हमें कहता है। तो आगे चल के हम स्नेल्स लॉ की मदद से हम अपने एक्सप्रेशंस को भी फाइंड करेंगे।